ये आ गया जी हमारा कल वाला सामान जो हम छोड़ के चले गए थे। क्या है जिमनी का वर्किंग स्नोर्कल जी। अभी जा रहा खुलने है, मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज है। क्या है ये 10 लीटर 5 लीटर 30 लीटर 30 लीटर। यहाँ पे आप लोग ही कमेंट लिख के बताना कि कौन सा कलर जो है वो सही है। यहाँ से निकलेगा ये बाहर, लेकिन संजय भैया इसको बिठाएंगे कैसे, ये तो मामला गड़बड़ है। इधर तो अंदर सिस्टम ही होता है। बॉनेट जो है वो खोलना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज का क्या प्लान था? जैसे कल की वीडियो आपने देखी थी तो सामान हमारा आ चुका था, बट किसी काम से मेरे को जल्दी आना पड़ा और वो सामान जो है हम अनबॉक्स नहीं कर पाए। तो आज वो सारे का सारा सामान अनबॉक्स करना है। कुछ उसमें जो है एक्सेसरीज ऐसी हैं जो सीधे के सीधे हमारी जिमनी में ही लग जाएंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑफ रोड के पर्पज से यूज में आएंगी। काफी टाइम हो गया ऑफ रोड करते हुए, बट ऑफ रोड के नाम पे एक टोस्ट ऐप के अलावा हमारे पास कोई और एक्सेसरी नहीं रहती है। तो आज कुछ नई चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे। प्लस वी गॉट न्यू पार्किंग, कल घुसाते हुए ये पाइप यहाँ से टूट गई थी ये वाली ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल गाड़ी को निकालेंगे यहाँ से। भैया भी आ रहे हैं साथ में, बस ठीक है करते हैं आज के दिन की शुरुआत इसी के साथ। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, ये चीज़ मेरे को इसकी लग रही है बहुत ही मोटा तना है, मतलब अगर स्पीड में हो तो अलाइनमेंट आउट कर देगा, टायर तो शायद ना फटे इससे। तो यहाँ से ध्यान चलानी पड़ेगी। कैसे हो सर? मैं तो ठीक हूँ। आज तो ऐसे फुट रेस्ट पे पैर रखने का मजा ही कुछ और। तो गाड़ी यहाँ पर साफ खुद ही करते हुए करनी पड़ती है यार, अपनी चीजें खुद ही संभालनी पड़ती हैं, लोग थोड़ी संभालेंगे। मैंने कल लक्ष्य भैया से कहा, मैंने कहा सुबह जल्दी आ जाएंगे, बिकॉज इस टाइम क्या होता है वहाँ ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ लग जाती हैं, फिर शोर हो जाता है, फिर कोई चीज खोले, फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो मतलब हमें भी थोड़ा सा वीडियो बनाने में वो रहता है कि मतलब किसी के सामने थोड़ी सी ना अजीब फील होता है। बट फिर भी हम पहुंच गए, एक तो बज ही गया क्योंकि भैया का सिस्टम ही ऐसा है हमेशा लेट। बिल मेरे सिर पे पड़ा हो तुम गाइस, ये खुद लेट आया। तो जो फ्री बंदा होता है उसको जब भी बोलोगे वो रेडी रहेगा। तो ये नहीं, अभी निकलते हैं फटाफट, पहुंचते हैं वहां पे और नारियल पानी पीना रास्ते में। ठीक है, नारियल पानी टाइम। यार मेरे को बताओ, हर एक चीज जिसका एक फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है, रोज रोज पीने का कोई नुकसान तो नहीं? ये पानी है तो पानी रोज पियो तो आई थिंक मुझे लगता है नुकसान होता है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। हां जी, पहले ये बताओ पीपीएफ कैसा हुआ? कटरा से गाड़ी आई है। हां गाइस, कटरा से गाड़ी आई है और वही मैं देख रहा था, मतलब पीपीएफ का अभी यहाँ नहीं। यहाँ क्या है कि लाइट कम है ना, आपको जहाँ धूप की शेड है ना वहाँ से दिखाएंगे। और ये हमारे धीरज भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? हमारी गाड़ी पे जिमनी पे रैप इन्होंने किया था, तो रैप जो भी देखता है ना वो यही बात कहता है, धीरज भाई ये रैप है कि पेंट है। तो इतना प्रॉपरली फिनिश हुआ है। और जैसे इस गाड़ी पे आप देख रहे हो, कहीं से भी आपको ना, जैसे मैं यहाँ से आपको मार के दिखाता हूँ, कहीं से आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक छोटा सा डॉट भी नहीं दिखता है। मैं जैसे आया ना, मैंने धीरज भाई को देख के पहचाना कि भाई पीपीएफ हुई भी है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता कि गाड़ी पे पीपीएफ हुई है नहीं हुई है। और रेड कलर तो मतलब क्या ही कहने हैं, स्टॉक गाड़ी है बट अच्छी लग रही है। ये आ गया जी हमारा कल वाला सामान जो हम छोड़ के चले गए थे। आज सारा का सारा, कोई एक आधी चीज छोड़ देंगे? सब ए टू जेड सब दिखा देंगे, जिमनी का क्या आ रहा है खत्म कहानी। रोज रोज का नहीं है यार, ऐसा नहीं होता कि मतलब एक चीज को कितने दिन दिखाएंगे। तो आज फिर शुरू करें? बिल्कुल। तो पहले अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर है कि एक चीज से शुरू करना है कि जो आता जाए उसे खोलते जाओ? जो आता जाएगा वो खोलते जाएंगे। अच्छा, दिखा देंगे। चलें फिर करें स्टार्ट। तो गाइस पहली ये चीज ये क्या है कि बड़ी सारी चीजें ना एक्साइटमेंट इतनी होती है कि वो हम ना पहले ही खोल लेते हैं, हम वेट नहीं करते उतना। तो ये उन्हीं में से एक चीज है और ये है हमारी पहली चीज। तो बेसिकली ये चीज जब मैंने अपनी जिमनी ली ना, मैं तब से सोच रहा था कि उसमें लगाएंगे, बट जिमनी सॉरी जिप्सी जब हमने ली ना तब से मैं सोच रहा था लगाएंगे, बट इस चीज को इंस्टॉल करने में आती है एक दिक्कत। लेकिन इस बार जो है हमें इसे इंस्टॉल करने में एक दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो आई थिंक सब लोग गेस कर ही चुके होंगे कि ये क्या है। तो जी ये है हमारी जिमनी का वर्किंग स्नॉर्कल। ठीक है, जैसे थार में हमने लगाया हुआ ना वो है डमी वाला। अच्छा, और इसकी सबसे खास चीज क्या है कि ये बिना ड्रिल के लगेगा। मतलब एक तो क्या है, जैसे डिजाइन देखो, ये साइड पे इसका जो है ना ये बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा है, नहीं तो कभी से ऐसे चोंच निकली होती है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये डिजाइन वाइज काफी ज्यादा सही लगा मुझे और यही एक मेन रीजन था इसे लेने का। और अभी आज इसको इंस्टॉल कर देंगे है ना। ये एक चीज आ गई हमारी जिसे हमने इंस्टॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज की यहाँ पे पाइप पड़ी होगी, कुछ फिटमेंट है। और ये वाली जो पाइप है, ये पाइप कहाँ यूज में आती है? पापा इसी से मारते थे? नहीं, इतनी पाइप से थोड़ी मारेंगे। सो अब हमारा आ गई हमारी नेक्स्ट डब्बे की बात। चलिए गाइस, फिलहाल एक सबसे मेन चीज जो है वो थी हमारी स्नॉर्कल, वो हमने आपको दिखा दी है। बाकी काफी सारी चीजें हैं तो ये अनबॉक्सिंग करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए फटाफट से करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था ना कि इस बार जो हमारी अनबॉक्सिंग है वो सिर्फ एक्सेसरीज की नहीं रहने वाली है, सिर्फ जो हमारी गाड़ी पे मॉडिफिकेशन है वो नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें ऑफ रोड में जरूरत पड़ती है, कैंपिंग में जरूरत पड़ती है, वो सारी भी होगी। तो ये है हमारी, इधर देख तू उंगली मत काट देना ज्ञान के चक्रों में। सही बात है, मेरी उंगली चली गई तो एडिटिंग कौन करेगा, पैसा कौन लेगा बे।
एक हाथ से तू गिनेगा कैसे? और ये जारा खुलने आप मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज है, क्या है ये? ये क्या दरुण? बेसिकली जो आपने गेस किया है वही है, ये स्नैक ट्रे कहते हैं इसको। ये हाँ, इस तरह की हम कुछ भी इस पे रख के कुछ भी कर सकते हैं। बट ये लगेगी इस पे। तो गाइस ये है बेसिकली कुछ इस तरह से, जो ये वाला हिस्सा है ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये स्नैक ट्रे हमारी। तो जैसे इस पे क्या है, आपके जेरिकेन्स वगैरह आ गए, सैंड चैनल्स वगैरह आ गए, वो सारी चीजें माउंट हो सकती है। तो ये है काम की एक्सेसरी। तो चलिए जी, ये आ गया हमारा। तो ये भी एक बहुत ही काम की चीज है, जो कि हमें शायद थार में तो उतनी जरूरत पड़े ना पड़े, बट जिमनी में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज जिमनी का जो टैंक है वो काफी छोटा है और गाड़ी की एवरेज भी कम है, तो अगर आप ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल साथ में कैरी करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास है लॉन्ग हॉल 30 लीटर, जिमनी की कैपेसिटी है 40 लीटर, और 30 लीटर का उसमें आ जाएगा ये जेरिकन। तो ये आ गया छोटे वाला, जब हिमालयन की मार्बल सुत लगाने का मन करता है, ये 10 लीटर 5 लीटर 30 लीटर। तो अगर किसी को भी जरूरत है तो अभी मैं इस चीज को वैसे रेकमेंड नहीं कर सकता, बट जैसे देखो ये ना एज अ सैंड चैनल भी इसका काम किया गया। तो जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है, जब ऐसा कुछ है, तो आप इसको एज अ सैंड चैनल भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी। कुछ एसेसरीज ऐसी भी है ना जो सीधे हमारी जिमनी पे इंस्टॉल होनी है, तो मैं ना जिमनी वहां से यहां पे लगा देंगे, ताकि सीधी वो चीज आपको लगा के पूरा लाइव डेमो देते जाएं। उससे थोड़ा सा चीजें इजी रहती हैं समझने में भी, और हमारे लिए भी ठीक रहती है, पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज है, कहां फिट बैठ रही है, कैसे बैठ रही है। गाइस चल रही है अभी अपने रैप की इंस्पेक्शन, धीरज भाई कह रहे एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी हमने जो है यहां पे लगा दी है, फटाफट से जो बची कुछ चीजें इन्हें भी अनबॉक्स करते हैं। जिमनी साथ में लगी होगी ना, तो इसलिए जो खोलेंगे वो आपको समझ भी आ जाएगा। तो आर्मरेस्ट भी एक गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, क्योंकि जैसे आपको एक बार ही अगर आर्मरेस्ट की आदत होगी ना, फिर तो आपको गाड़ी में ये चाहिए ही चाहिए। चलिए तो ये आगे जैसे आपको ना यहाँ पे रख के दिखा देंगे, अभी नीचे आएगा ये फिटिंग, यहाँ पे आपका बोल्ट लगेगा, ये वाला पूरा सिस्टम। तो यहाँ से ये इस तरह से बेसिकली बैठ जाएगी इसके ऊपर। तो चलो ये आ गई आर्मरेस्ट, अभी कुछ और चीजें भी है आज, जो जो भी है जिमनी का सारा सब सब दिखा देंगे। फिर अगली बार क्या कंटेंट बनाएंगे? अगली बार इसको पैकिंग का बना लेंगे। ये सीट के पीछे, सीट के पीछे लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमें अपना कुछ भी सामान रखना है उसके लिए। ये भी काफी प्रैक्टिकल सी है, और ये जैसे ना इसके अंदर मेटल वाली है, मेटल है मतलब कुछ प्लास्टिक का पार्ट है, फ्रंट सीट। हां फ्रंट सीट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से लग जाएगा। तो मतलब एक तो ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फोन वोन जो भी है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज रहने वाली है। अब आ गया सबसे मेन चीज, जिसकी सबसे ज्यादा मतलब एक्साइटेड है मैं भी खोलने के लिए, और मुझे भी ये जब से हमने ऑफ रोड शुरू किया था तब से ये चाहिए थी, बट फिर करते 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 हो गया डिले। तो चलो आज आपको ये भी हम सारा, ये तो आपने गाड़ी कलर की लाई है, सेम कलर है। तो पानी में चलाने वाले नाव तो नहीं है कहीं, कश्ती चप्पू है, छोटू है। ये है हमारे सैंड चैनल, ठीक है, और बेसिकली क्या रहता है, जैसे आपने देखा ना, हमें कभी भी रिकवरी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होता है, हमें विंच लगानी पड़ती है। बट इन केस अगर आपकी गाड़ी इनिशियल स्टेज में फंसती है और आपके पास ये है, ये आपको बर्फ में भी काफी काम देते हैं, प्लस जो क्विक सैंड है वहाँ पे भी आपको काफी काम देते हैं। तो इसकी जो यूटिलिटी है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल में आते हैं और क्या है। और इसका एक पर्पज ये है कि जैसे अगर सपोज इसे ऐसे ऊपर भी रख देते हैं, ठीक है ना, तो आपकी गाड़ी की एक ऐसे टैंक जैसे लगेगी, ठीक है, ये रख लेंगे ऊपर साइड पे, एक वो जेरिकैन भी ऊपर ही रख लेंगे इनकेस अगर हमारा टेंट नहीं आया तो। अगर टेंट नहीं होगा, वैसे तो ऊपर टेंट ही लग जाएगा, तो इसकी माउंटिंग जो है आपकी बहुत महंगी पड़ेगी साइड में, ठीक है। ये दो कलर में है ये इस तरह एक्चुअली ना, पर कौन सी कलर का गाड़ी पे लगाया जाए, ब्लैक रेड या जो भैया बताएंगे, जो या ग्रीन, जो आप ब्लैक रेड जो है, रेड थोड़ा सा आई कैचिंग रहेगा कलर, तो हमें आईज ही तो कैच करनी है लोगों की। यहाँ पे आप लोग ही कमेंट लिख के बताना कि कौन सा कलर जो है वो सही है। तो चलिए, क्योंकि आपको सबसे पहली जो चीज़ हमने दिखाई थी वो था स्नॉर्कल, तो फटाफट से लगाएंगे स्नॉर्कल। और आपको दिखाता हूँ मैं कि स्नॉर्कल जैसे ये बता रहे थे ना कि ये बोल्ट ऑन कैसे है, और कोई भी ड्रिल व्रिल नहीं लगेगी, तो वो कैसे होने वाला है, जैसे यहाँ से ये तो ये खोल दिया गया, एक ही स्क्रू पे है ये, इसको खोलना पड़ेगा। अच्छा, उसको पूरा खोलना पड़ेगा, अच्छा लंबा काम है। तो ये चीज जैसे देखो, जितने भी स्नॉर्कल आज तक लगे हैं ना, वो या तो यहाँ पे कहीं ड्रिल होता है या यहाँ कहीं ड्रिल होता है, बट इसमें बेसिकली हमें छेद करने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर छेद किया तो फिर नहीं। तो चलिए अभी क्या है कि इसको खुलने में ये लॉक वॉक ये वाला जो है ना, ये पत्ती उठेगी, फिर ये वाला हिस्सा जो है निकलेगा, तो बिना छेद करने भी नहीं लगा सकते है थार में। हाँ थार में नहीं लग सकता ना, थार में मैंने डमी इसलिए लगवाया क्योंकि मुझे छेद नहीं करवाना था, ये मैं इसलिए लगवा रहा हूँ बिकॉज इसमें छेद नहीं करना है, बिना छेद के आप वर्किंग स्नॉर्कल लगा सकते हो।
अच्छा ये भी खोलना पड़ेगा, वाइपर भी खुलेगा ना, काफ़ी खोलना पड़ेगा, पर चलो ठीक है, छेद से तो अच्छा ही है। इतना ही चाहिए। ये एक प्लास्टिक का हिस्सा है, यहाँ से निकलेगा ये बाहर और यहाँ पे स्मार्ट चला जाएगा। सो गाइस ये यहाँ पे एक स्क्रू था, ये लो जी ये हिस्सा हमारा निकल गया और यहाँ पे जो है फिट हो जाएगा स्नॉर्कल। हाँ जी फ्लाइंग थार वालों क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, ठीक हो? और ठंडे ठंडे हाथ, फुल एसी चल रहा है, बिल्कुल टायर सही है। अच्छा लेकिन संजय भैया इसको बिठाएंगे कैसे, ये तो मामला गड़बड़ है, इधर तो अंदर सिस्टम ही होता है। गाइस है तो स्नॉर्कल हमारा बोल्ट ऑन ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बोनेट भी खोलना पड़ जाए। गाइस पहले सोचा था कि थोड़ा बहुत ही खोलना पड़ेगा, इधर तो सारा सिस्टम ही खोलना पड़ेगा, सिस्टम हो गया है। तो ये जो है हमारा ये भी खुलेगा और फिर उसके बाद स्नॉर्कल फिट होएगा। पिछली बारी जंप छोटा लगा था तो इस बार बड़े जंप के लिए रख दी अंदर, इसमें लिफ्ट की डलने जा रही है, फिर उससे ही बड़ा जंप। बिल्कुल चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। गाइस अभी क्या है कि बोनट जो है वो खोलना ही पड़ेगा, तो ये यहाँ से ये खुलेगा, मतलब नीचे वो वाले लॉक नहीं खुलेंगे बिकॉज वो नहीं है, पर ये वाला खुल के इसको हम इजिली कर सकते हैं। तो अभी चलो इसे खोलते हैं और फिर देखते हैं, ये खुल गया। सो गाइस ऐसा इतना ईजी जैसा भी नहीं है, काफ़ी आपको सिस्टम बिठाना पड़ेगा इसे फिट करने के लिए। ये वाली जो है एडजस्टमेंट हमें फिटमेंट पहले से ही इसमें फिट करके ही डालनी है। समझने में थोड़ा सा टाइम लगा बट चीज़ बड़ी प्यारी है, मतलब जो लुक लग रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई किया है कुछ कुछ मुद्दे की चीज़ गाड़ी पे जो है वो की हुई है। ये जी अब हो गया फिट यहाँ पे, अब देखो पूरा प्रॉपरली यहाँ बैठ गया ना फिट, और ये जो है एक ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी इसको, ये ठीक है, ये स्क्रू लग जाएंगे और यहाँ पे ये लग जाएंगे। प्यारी चीज़ लग रही है, खूबसूरत, मतलब फंक्शनैलिटी की फंक्शनैलिटी, काम का काम और लुक्स की लुक्स। ये लग गए हमारे स्क्रूज भी। चलिए जी फाइनली ये भी हमारा जो है फिट हो गया और बॉनेट बॉनेट भी लग गया, तो मतलब काफ़ी, मतलब उतनी मशक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा समझने में हमें टाइम लग गया, उसकी वजह से टाइम लगा, बाकी काफ़ी इजी सा है। बस ये है कि चीज़ें आपको खोलनी पड़ेगी, ये खोलना पड़ेगा, वाइपर खोलने पड़ेंगे, वहाँ से बॉनेट खोलना पड़ेगा और उसके बाद जो है स्नॉर्कल इज फिट। तो बाकी चलो टेस्टिंग तो हम जब भी करेंगे तो करेंगे। ये आ गई हमारी पाइप है ना, इसको एक लॉक इधर लगेगा, इसमें डक्ट लगेगा, वहाँ लगेगा कैसे? ये दिया हुआ है ना, ये किसी चीज़ के लिए दिया है, ये निकल जाएगा आपका, अच्छा इसमें लगेगा और आधा इसमें लगेगा। ये जो हमने एक वीडियो देखे इंस्टॉलेशन की ना, उस वीडियो में जो पाइप है वो पाइप ही अलग तरह की, वो मेटल की पाइप है और उसमें ये वाली जो पाइप है ये उतरी जाती है, लेकिन अब हमारे को स्नॉर्कल के साथ आई हुई है ये वाली। अब इसको फिट कैसे करना है, ये हमने एक सिस्टम कर तो दिया है, वैसे ये है भी पक्का ही है, ऐसे हिलेगा छिलेगा भी नहीं ना, लेकिन फिर भी इसको चेक करना हमें पड़ेगा ही। इसके कॉन्फिडेंस में मैं पानी में ले गया और कहीं गाड़ी इधर उधर बैठ गई तो सारा का सारा इंजन विंजन हो जाया खत्म। स्नॉर्कल आपको पता नहीं किस काम आता है। बाकी एक बार यक्ष भैया भी कभी गए हुए हैं, आते हैं एक बार उनको भी दिखा लेते हैं, अगर उन्होंने ओके कर दिया तो ओके है, बाकी ये एकदम बढ़िया लग रहा है। तो एक और चीज़ बता दूं, आपको पता है कि हमने अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो भी चेंज किया था, बट वो मैंने आपको बिना बताए ही वापस भी हटा दिया। उसका रीज़न यही था यार, क्योंकि हमें ना शुरू से ही स्नॉर्कल ही लगवाना था, बट क्या है स्नॉर्कल आने में इतना टाइम लग गया, फिर हमने इन बिटवीन वो वाला एक चीज़ ट्राई कर ली, तो उससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, बट क्या है कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है ना तो फिर वो वाला जो फिल्टर है वो नहीं चलता है, और इसलिए वो हमने आना पड़ गया। अक्षय भैया भी आ गए। अक्षय भैया हाँ जी, आप पीछे इतने पानी में गुदा दें, गुदाओ यार यहाँ तक बोनट तक लाओ। अच्छा हाँ चलो कोई मसला नहीं, अब देखते हैं कब इसका एक्सट्रीम हम टेस्ट कर पाएंगे या जिस पर्पज के लिए लगा। और ये ना बेसिकली एक कॉन्फिडेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि स्नॉर्कल लगा तो यहाँ तक गाड़ी डुबानी ही है, बट कई बार आपकी गाड़ी कहीं बैठ जाए कुछ हो तो स्नॉर्कल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई एयर इनटेक इसका ऊपर है तो हमें इंजन के सीज होने की इतनी दिक्कत नहीं है। स्नॉर्कल लग चुका है, थोड़ा सा ऐसे सिलिकॉन डाला है वहाँ पे ताकि वो साथ में चिपका रहे, और ऊपर यहाँ देखो आप ये लग गया इसके ऊपर, और ये भी काफी ज्यादा सही लग रहा है। ठीक हो? कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, गाड़ी ठीक लग रही है? गाड़ी का सारा काम जो है वो हो चुका है, आज सबसे मेन चीज जो हमने स्नॉर्कल लगाया और ऊपर ये अक्षय भैया क्या है, छोटा टैंक है, छोटा टैंक है, मतलब एक तो प्यारा लग रहा है, मतलब हर एक चीज़ हमने ना इसमें, आप यहाँ से देखो आप, अब कभी ना आप इमेजिन करो जब हमने ये गाड़ी वाइट कलर में जब इस पर अपनी ग्राफिक्स और एक्सेसरी भी लगी हुई थी तब ये कैसी दिखती थी, और आज देखो, और अभी भी इसमें करवाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी होंगी। हमने ट्रिप पे कब जाना है? जल्दी मैं सब कमेंट करके बताना ये कैसा लगा आप सब। हाँ ये छोटू स्नॉर्कल है बट इतना प्यारा लग रहा ना मेरे को, और ये क्या है कि बिना किसी भी कटिंग वटिंग के बड़ा इजली सा हो गया, और है भी सबसे वर्किंग चीज़ है। आज के लिए शो को करते हैं खत्म, ठीक है अक्षय भैया? ओके बाय बाय, कल के लिए हाँ। कल कुछ नया तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेस्ट के। ओके भैया, ओके बाय बाय, कहाँ जा रहे हो?
ठीक है। बस लिफ्ट किट की जरूरत है, बस लिफ्ट किट थोड़ी महंगी है ना बेसिकली जो मुझे चाहिए, उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, वो भी करवा लेंगे जल्दी। और ये जो ऊपर सैंड चैनल है ना, इस्तेमाल तो पता नहीं कब आए, आए नहीं है, लग बड़े प्यारे हैं। अभी ये टेप घर जाके उतारेंगे इसकी। ये जो है चिपक गया होगा तो इसको भी अब हटा ही देते हैं। चलिए जी, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे पता ही है आपको करना क्या है। मिलते हैं कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मॉड के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।